एक को भी था कि सा, उसको थोड़ा सा फोर्सफुली अगर अपन प्लग करें तो उसका रेजोनेंस थोड़ा ज्यादा होगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं उसका आरोह बजाइए. ये इसका आरोह था. ठीक है, यहां आपने देखा कि जो टिकाव था वो ज्यादा नहीं दिया गया. बाकी अगर इसे करना चाहे तो सा, पूरा लंबा ले गए, फिर बोला रे. गायकी में अगर किया जाता है या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसका रेजोनेंस आपके कंट्रोल में, यानी कि जैसे हारमोनियम है, सिंथेसाइजर है, कीबोर्ड है, उसका रेजोनेंस आपके कंट्रोल में होता है कि आप जितना चाहे उसे लंबा ले सकते हैं. लेकिन जैसे कि गिटार है, यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा लंबा नहीं हो सकता है. सितार है, उसका रेजोनेंस ज्यादा लंबा नहीं होता है. इसलिए यहाँ पे अपन जितना उसका है उस हिसाब से लय में कर रहे हैं. यहाँ लय नहीं होगी कोई कि आप सारी इस हिसाब से जाएं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि लय हो. ये काम बिना ताल के होता है. ठीक है, तो ये जैसे आपने देखा ये किसी और स्केल से बजा रहे थे, आप किसी भी स्केल से बजा सकते हैं जहां से आपका कंफर्ट हो. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो इसी स्केल से बजना चाहिए या फला स्केल से बजना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये स्टाइल इंस्ट्रूमेंटल का स्टाइल है तो स्केल कोई सा भी हो सकता है जो आपको कंफर्ट दे हाथों को, जहां से वो जो थाट है उसके जो स्वर है वो इजी पड़े, है ना. इस चीज को ध्यान देने वाली बात है. इसीलिए आपने 12 स्केल और 10 थाटों को सीखा है ताकि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें. ठीक है, तो आपने जान लिया कि ये स्केल है, यहां से बिलावल थाट मेरा इजी पड़ रहा है तो यहां से बजाऊंगा, यहां से थोड़ा मुश्किल है तो वहां से ना बजाएंगे, कहीं और से बजाएंगे, है ना. मुश्किल तो वैसा कुछ भी नहीं होगा अगर आपने अभ्यास किया है हर स्केल से, लेकिन फिर भी जो उनके पैटर्न होते हैं लगने की जो जगह मिल जाती है आपको वो आसान हो जाती है. अब देखते हैं इसका अवरोह. अवरोह में इक्वल वेटेज से गैप नहीं है, यानी कि सा नी ध प ऐसा नहीं उतरेंगे अपन, उसको राग के चलन के हिसाब से देखेंगे. तो यहां राग के चलन के हिसाब से कैसा बनता है अवरोह देखते हैं. इस पे ये, तो यहां आपने अवरोह में देखा कि बराबर बराबर से नहीं गए. अवरोह अगर उतरा है तो सा नी ध, फिर थोड़ा स्ट्रेस दिया है, प म ग, फिर थोड़ा स्ट्रेस दिया है, रे, फिर गैप दिया और सा, है ना. अब जो आपने सानीदा बजाया वो उस ही टाइम इंटरवल से नहीं था जिसमें आरोह में आपने एक एक स्वर को दिया था. सानीदा थोड़ा सा जल्दी था, है ना. ये वो चीजें हैं जो राग पहचानने में मदद करेंगी. ये वो राग की स्वर संगतियां हैं. स्वर संगतियां यानी स्वरों के ऐसे समूह जो राग को पहचानने में मदद करते हैं. राग के चलन में उनका बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, यहां पे आपने देखा कि सीधे सीधे स्वर ना जाके वेटेज के साथ गए, सा नी ध, फिर लंबा रुके. जैसा कि आपने उस फोटो में देखा होगा जो आपकी स्क्रीन पे आया था कि इस राग का वादी स्वर ध है, तो ध को थोड़ा यहां पे दिखाया गया है. ठीक है, फिर रुके प म ग, ग पे भी रुके. वहां बताया गया था कि राग का संवादी गंधार है ग, है ना, ग स्वर है. फिर रे पे रुके और सा पे स्ट्रेस दिया. ठीक है, अब ये पहली राग है आपकी, तो आप तुरंत से उस राग को नहीं पकड़ पाएंगे. धीरे धीरे इसके लिए आपको बहुत सारी कोर्स करना पड़ेगा, यानी बहुत सारी रागें करनी पड़ेगी. फिर आप धीरे धीरे किसी भी राग के चलन को जल्दी से पकड़ लोगे, है ना. वो चलन आपके दिमाग में जल्दी से सेट हो जाएगा. जब तक एक राग में बहुत सारा काम नहीं किया होगा, अभी तो आपने आरोह अवरोह पकड़ देखे हैं, अभी फिर आप आगे देखेंगे सरगम गीत, फिर आप देखेंगे उसमें कोई बंदिश, फिर उसमें आलापता नहीं करेंगे, है ना. मैं चाहता तो सीधा सीधा आपको अभी शुरुआत से ही राग बिलावल का आरोह ये क्या होता है, पकड़ क्या होता है, ये बता दिया, सरगम गीत ऐसे बजा लो. लेकिन वो मेरा मेन मोटिव नहीं है. मैं ये नहीं चाहता कि बस आप उस चीज को रट लें अच्छे से, ऐसा नहीं. आप शुरुआत से ही पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलें, क्योंकि आगे आने वाली रागों में यही सारी चीजें होने वाली हैं. ठीक है, वही आरोह अवरोह पकड़ होंगे, स्वर बदलेंगे, पैटर्न बदलेगा, चलन बदलेगा, वही सरगम गीत होगा, है ना, वही चलन बदलेगा, ताल बदलेगी, लेकिन चीजें सारी सेम होंगी. तो किसी भी एक राग को अच्छे से पहले कर लें, सारी चीजें उसमें समझ लें, ताकि अगली राग आप स्वयं जल्दी से कर दें. ठीक है, अभ्यास बहुत मांगता है ये विषय, तो
पहली ही राग में बहुत ज्यादा अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, आरोह आपने देखा, अवरोह देखा, अब देखते हैं इसकी पकड़। अभी यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग पैटर्न जा रहे थे, है ना। जैसे पहला पैटर्न क्या, ग प ध नी सा ध प, है ना, ग प फिर रुके, फिर लिया ध नी सा ध प, है ना, फिर रुके म ग म रे, फिर रुके और सा, ऐसे अलग अलग पैटर्न गए, है ना। तो इन चीज को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो फिलहाल के लिए आपके लिए जो आरोह अवरोह पकड़ होंगे वो यही होंगे, लेकिन इन फ्यूचर आप इसी राग को अपने अलग अंदाज में आलापेंगे, उसमें अलग अलग वेरिएशन से आप आलापचारी करेंगे। जब आप राग को अच्छे से समझ लेंगे तब उसका आलापचारी आप कर पाएंगे, तब तो उसमें आप कुछ नया कर पाएंगे। सबसे पहले उस राग को अच्छे से, उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। शुरुआत से ही मैं आपको एज एन आर्टिस्ट ट्रीट करके आलापचारी बोलूंगा अब करो, तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। आपको पहले बेसिक स्टेप से चलना पड़ता है, जो उसका सिलेबस है, जो उसका फ्लो है, कि पहले आरोह अवरोह पकड़ अच्छे से याद करें, है ना। शुरुआत में तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, फिर आप स्वतंत्र हैं, राग में आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार दर्शकों को आरोह, उसके बाद अवरोह, फिर पकड़, लगातार एक बार बजा के दिखा दीजिए कहाँ कहाँ गैप है। आरोह में सारे गम पद नि सा, हर स्वर के बाद गैप है। अवरोह में सानी ध, फिर रुक के प म ग, रुक के रे, रुके सा। ठीक है, फिर पकड़ जो है ग प गैप, धनी सा ध प गैप, म ग म रे गैप और सा। ठीक है, एक बार आरोह अवरोह पकड़ देख लेते हैं। तो ये इसकी आरोह अवरोह पकड़ हो गई जो आपने देख ली। रेजोनेंस को बढ़ाने के लिए, यानी इसकी जो आस है उसको बढ़ाने के दो तरीके मैं अभी आपको एक बता देता हूं। कि एक तो होगा कि आप जो वायर है, ये जो वायर है, इसको जब आप प्लग करते हैं तब, या तो इसको जब आप प्लग करें तो आप क्या करेंगे, उसकी जो मैंने बोला ना कि जब तक उसकी आस खत्म नहीं हो जाती तब तक उसे चलाइए। जैसे कि मान लीजिए ये इसकी आस चल रही है, वाइब्रेट कर रहा है, आप तुरंत अगर उस पर लगा देंगे तो वो आस ऐसे कट हो जाती है। एक तो तरीका जो अभी इन्होंने किया कि उसको पूरा लंबा जाने दे, जिसकी जितनी उसकी आस जाती है, यानी जितने फोर्स से आप खींचेंगे उसका उतना ही ज्यादा कंपन वाइब्रेशंस होंगे उसमें। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप जो स्वर है वो यहां लगा रहे हैं यहां पे, उसको आप हल्का सा ऐसे ऊपर नीचे करें, यानी प्रेस करके ही आप उसे, ये ऐसा तरीका भी किया जा सकता है। इससे क्या होगा, उसकी आस हल्की सी बढ़ जाएगी, है ना। जैसे कि अभी एक किसी स्वर की मैं आपको करके दिखाऊं, तो ये जैसे इसकी ही बताता हूं आपको, मैं रे की बताता हूं, ये रे है, तो इसको हल्का सा आप ऐसे घिसते रहे तो इसकी हल्की सी रेजोनेंस बढ़ सकती है। और ये दोनों तरीकों से आप आरोह अवरोह पकड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में हम इतना ही बताएंगे कि आरोह अवरोह पकड़ क्या होते हैं। अगले एपिसोड में हम सरगम गीत से ही सीधा शुरुआत करें।